हरियाणा में बीजेपी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। बीजेपी के इस फैसले से राज्य में हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि सिरसा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद सिरसा में कांग्रेस का प्लान फेल हो गया है। इस सीट पर बीजेपी और इनेलो मिलकर कांग्रेस को टक्कर देने वाले हैं। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग में अब 20 दिनों से भी कम का समय बचा है। सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। चुनावों के बीच में सिरसा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने अब अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनावों में कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। ऐसे में अब रोहतास जांगड़ा के नामांकन वापस लेने के बाद से राज्य में सियासी भूचाल आता दिख रहा है। रोहतास जांगड़ा के नामांकन वापस लेने पर बीजेपी नेता अशोक तंवर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसके पीछे कांग्रेस को बताया। मीडिया से बातचीत में अशोक तंवर ने यह कहा कि ये फैसला कांग्रेस को रोकने के लिए लिया गया है। पार्टी का लक्ष्य है कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बने व कांग्रेस मुक्त भारत व हरियाणा हो। सिरसा सीट से अब बीजेपी इस पार्टी को देगी समर्थन। नामांकन वापस लेने के बाद से बीजेपी अब अपने गठबंधन दल के नेता गोपाल कांडा को समर्थन देगी। तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर इस सीट पर अब कांग्रेस को बीजेपी, इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी मिलकर कांग्रेस को टक्कर देने वाली है। बीजेपी नेता अशोक तंवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गोपाल कांडा के एनडीए में शामिल होना और उन्हें समर्थन देना स्वाभाविक है। गोपाल कांडा ने लोकसभा के चुनावों में भाजपा का साथ दिया था। अब आपको बताते हैं कि नामांकन वापस लेने वाले रोहतास जांगड़ा ने क्या कहा। भाजपा उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संगठन का आदेश सर्वमान्य है, कांग्रेस को हराना है, यही एक लक्ष्य है। एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा उसका समर्थन करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है गोपाल कांडा। हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी की स्थापना भी गोपाल कांडा ने ही की थी। वो पूर्व में हरियाणा के गृह, उद्योग एवं नगर निकाय मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में एक हाई प्रोफाइल मामले में गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी भी किया था। चुनावों की बात करें तो बीते चुनाव में गोपाल कांडा ने सिरसा विधानसभा सीट पर मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।